चंदनपुर गांव में लक्ष्मी देवी नाम की एक औरत अपने बेटे विशाल के साथ रहती थी। लक्ष्मी देवी को बड़ा ही शौक था कि वह भी अपने बेटे के लिए एक शहर की बहू लेकर आए, क्योंकि उसके गांव में उसकी ही पड़ोसन अपने बेटे के लिए शहर की बहू लेकर आई थी। वह दिखने में काफी सुंदर थी और अपनी सास का बहुत ध्यान भी रखती थी। इस वजह से सभी गाँव वाले उसकी बहू की बहुत तारीफ किया करते थे। इस वजह से लक्ष्मी देवी भी सोचने लगी कि वह भी अपने बेटे के लिए शहर की बहू लेकर आएगी। बेटा, मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है। शहर की लड़की है, काफी पढ़ी लिखी और वह बहुत सुंदर भी है। मुझे पता है तुम्हें भी वह बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए तुम लड़की को देखकर हाँ कर दो। मम्मी ने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे शहर की लड़की से शादी नहीं करनी, मुझे तो गाँव की लड़की से ही शादी करनी है। वहाँ शहर की लड़कियाँ बहुत ही अजीब होती है। अरे मेरे बेटे, तुझे अभी कुछ भी नहीं पता है, वह तो बहुत ही अच्छी है, तू उसका फोटो देख, तुझे पसंद आ जाएगी। लक्ष्मी देवी के सिर पर तो शहर की बहू लाने का भूत सवार था, इसलिए उसने अपने बेटे की कोई भी बात नहीं सुनी। अब विशाल की शादी इशिका से हो गई थी। शादी के पहले दिन लक्ष्मी देवी ने अपनी बहू से बहुत सी उम्मीदें लगाई हुई थी। वह सुबह उठकर घर की पहली रसोई बनाएगी, पर बेचारी लक्ष्मी देवी इंतजार करते करते दोपहर हो जाती है। अरे बहू को तो बहुत देर हो गई है, अभी तक बहू ने कुछ बनाया नहीं, जरा जाकर देखती है रसोई में क्या कर रही है। वह रसोई में जाकर देखती है तो इशिका वहाँ नहीं थी। वह इशिका के कमरे में जाती है तो देखती है बहू तो घोड़े बेचकर सो रही है। लक्ष्मी देवी को यह देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है। बहू, यह सब क्या है, तुम अभी तक आराम से सो रही हो, आज तुम्हारी घर की पहली रसोई की रस्म थी, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। मम्मी जी जस्ट चिल, मैं 12 बजे तक ही सोती हूँ, अभी तो 7 ही बजे है, जब मैं उठ जाऊंगी तो खाना बना दूंगी, अभी आप जाकर सो जाइए, मेरे कान पर मत चिल्लाइए, मुझे नींद आ रही है। आई वॉन्ट टू स्लीप, डोंट डिस्टर्ब मी अगेन। लक्ष्मी देवी अपनी बहू की बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। दोपहर होती है, इशिका उठकर आती है और रसोई में जाकर कुछ खाना बनाने लगती है। लक्ष्मी देवी अब खुश हो जाती है क्योंकि उसकी बहू अपनी पहली रसोई बना रही थी। तभी वह अपने सास के पास आती है और कहती है, यह लीजिए मम्मी जी, नूडल्स खाइए, मुझे पता था गांव में यह नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं अपने साथ ही लेकर आई थी, बहुत टेस्टी लगते हैं, आपको अच्छे लगेंगे। अरे बहू, क्या तुम्हें बस यही बनाना आता है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया। मम्मी जी, मुझे तो बस यही है बनाना आता है। लक्ष्मी अपना सिर पकड़कर अपने आप को कोसती रहती है। शाम को गांव की औरतें बहू की मुंह दिखाई करने के लिए आती हैं। अरे लक्ष्मी बहन, अपनी बहू को तो बुलाओ, उसकी मुंह दिखाई की रस्म भी तो करनी है ना। हाँ बहन, अभी बुलाती हूँ। लक्ष्मी अपनी बहू को बुलाने के लिए जाती है। बहू, एक अच्छी सी साड़ी पहनकर बाहर आ जाओ, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मम्मी जी, मुझे आपके इस गांव के रीति रिवाज से कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप ही करिए यह सब, मुझे नहीं करना है यह सब ढोंग। और हाँ, मेरे कमरे में एसी लगवा दीजिए, मुझे इतनी गर्मी में नहीं रहा जाता। और हाँ, एक मेड का भी इंतजाम कर दीजिए, अब मेरे हाथ पैर में दर्द होने लगा है काम करते करते। बहू की ऐसी डिमांड सुनकर लक्ष्मी देवी के होश उड़ जाते हैं। वह तो अपने लिए शहर की बहू लेकर आई थी, पर वह जैसी बहू चाहती थी वैसी जरा भी नहीं थी। शाम को विशाल घर पर आता है और अपनी माँ को काम करता देख वह बहुत गुस्सा हो जाता है। देखा माँ, इसलिए मैं मना करता था कि मुझे शहर की बहू नहीं लानी, लेकिन आप ही मेरे पीछे पड़ गई थी, अब देखा ना आपने, सारा काम आपको ही करना पड़ रहा है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरी बात नहीं समझी, बहू बोल रही थी कि अगर हम उसका कहना नहीं मानेंगे तो वह तुम्हें तलाक दे देगी। तो क्या हुआ माँ, एक गांव की लड़की से शादी कर लूंगा, वह तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगी और तुम्हारी इज्जत भी करेगी, ऐसे गांव में हमारा कचरा तो नहीं करवाएगी। इशिका यह सब सुन लेती है और वह गुस्से में अपने पति विशाल को डाइवोर्स दे देती है। उसके बाद विशाल एक गांव की लड़की से शादी कर लेता है और वह उसकी माँ का बहुत ध्यान रखती है। अब लक्ष्मी देवी का भी शहर की बहू लाने का भूत उतर जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड कॉमेंट, सब्सक्राइब। चंबल नगर में गोलू नाम का एक बच्चा था, उसके घर में एक शरारती चूहा घुस गया। वह चूहा बहुत छोटा सा था मगर बहुत शरारती था, घर भर दौड़ता। गोलू चूहे को देख लेता है और मम्मी को कहता है, माँ माँ, घर में चूहा घुसाया है। अरे गोलू, मैंने तो कहीं नहीं देखा, आपको कहाँ नजर आया? मेरे रूम में दौड़ता हुआ मैंने देखा है माँ। तो माँ सोचती है, ये तो बच्चा है, इसको तो शायद ख्याल आया होगा कि कोई चूहा दौड़ रहा है, तो उसकी बातों को नेगलेक्ट कर देती है और अपने काम में लग जाती है। एक दिन वो चूहा गोलू की किताब कुतर देता है, कुछ कपड़े भी कुतर देते हैं। तब गोलू आके उस किताब और कपड़ों को माँ को दिखाता है। माँ माँ, देखो ना, मेरे किताब और कपड़े दोनों को काट के कुतर दिया। तब माँ को लगता है कि गोलू सच बोल रहा है। माँ घर भर ढूंढती है मगर चूहा नहीं मिलता।
चतुर चूहा गोलू की बिस्तर के नीचे जाके छुप जाता है। अब चूहे की नजर पड़ी गोलू की माँ के खाने पे। गोलू की माँ जो खाना बनाती और बिना ढके रख देती, वह चूहा उसे भी चट कर जाता था। चूहा खा पीकर बड़ा हो गया। गोलू की मम्मी किचन में आती है और देखती है, अरे मैंने तो इसको ढका था, शायद लगता है मैं भूल गई, इसीलिए इस चूहे ने ना नाक में दम कर रखा है, ये पूरा खाना फेंकना पड़ेगा। तभी वहाँ पे गोलू पहुँचता है और कहता है, चूहा जब छोटा था तभी मैंने कहा था, लेकिन आप मेरी बात नहीं माने। सच है गोलू, मगर मैं भी तो ट्राई कर रही हूँ इस चूहे को बाहर निकालने की, हाथ में आता ही नहीं, पता नहीं घर कहाँ बनाया है। इनकी बातों को चुपचाप सुनते हुए चूहा हंसता है और अपना घर जो कि गोलू की बिस्तर के नीचे है वहाँ पे जाके फिर से छुप जाता है। एक दिन गोलू की मम्मी ने एक बोतल में शरबत बनाकर रखा। शरारती चूहे की नजर बोतल पर पड़ गई। चूहा कई तरकीबें लगाकर थक गया मगर बोतल खोल नहीं पाया। मगर चूहे ने भी ठान लिया था कि शरबत पीना है। चूहा बोतल पर किसी भी तरह से ढक्कन को खोलने में सफल हो जाता है। अब उसमें मुंह घुसाने के लिए कोशिश करता है। बोतल का मुंह छोटा था, मुंह नहीं घुस पा रहा था। फिर चूहे को एक आइडिया आया, उसने अपनी पूंछ बोतल में डाली। पूंछ शरबत में गीली हो गई तो पूंछ को बाहर निकाल के उसे चाट चाट कर चूहे की पेट भर गया। जैसे चूहा अपनी पूंछ को चाट चाट के मजे ले रहा था, तभी किचन में गोलू की माँ पहुंच जाती है और गोलू को इशारे से बुलाती है, गोलू इधर आओ, देखो चूहा क्या कर रहा है। अरे माँ, ये चूहा तो बहुत होशियार निकला। मुझे भी यही आश्चर्य हो रहा है, इतनी तंग मुँह वाली बोतल से इसने जूस कैसे पिया। माँ माँ, इस चूहे को ना हम अपने ही घर में रहने देते हैं। मैं भी यही सोच रही हूँ, क्योंकि मेहनत करने से कोई कार्य असंभव नहीं होता, ये नैतिक शिक्षा इस चूहे ने मुझे दिखाया। तो फिर माँ इसके लिए एक पिंजरा खरीदे। माँ और गोलू दोनों बाजार जाके चूहे के लिए एक सुंदर सा पिंजरा लेके आते हैं और उसको अपने घर में पालते हैं। छत्तरपुर नगर में वेदा और उसका परिवार रहता था। वेदा की परीक्षा खत्म होते ही छुट्टी के लिए नानी के घर जाने की तैयारी चली। वेदा की माँ सारी तैयारियाँ करते हुए कहती है, अरे वेदा अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेना और अच्छे कपड़े पैक भी कर लेना, नानी के घर जाना है ना। और वेदा के पापा वेदा को बुला के कहते हैं, वेदा जो खिलौने चाहिए उसे भी पैक कर लो, नानी के घर में खिलौने नहीं मिलेंगे, फिर वहाँ तुम बोर हो जाओगी तो क्या करोगी। तो वेदा कहती है, मैंने सुना है दादी के घर में बाग बगीचे बहुत थे। यह सुन के हंसते हुए पापा कहते हैं, बाग बगीचे तो है मगर आपको आदत कहाँ है। ऐसे ही सारी तैयारियाँ करके नानी के घर के लिए निकल पड़ते हैं। वेदा नानी के घर पहुँचते ही नानी को ले लगाते हुए कहती है, नानी पापा कहते हैं मैं यहाँ बोर हो जाऊंगी। तब नानी हंसते हुए बोलती है, अरे बेटा आम की बगीचे में एक चक्कर लगा के आ जाओ, पूरा दिन गुजर जाएगा। नानी की बातों को आजमाने के लिए वेदा नाश्ता वास्ता करके आम के बगीचे के लिए निकल पड़ती है। आम के बगीचे के रास्ते में जाते जाते वेदा को दोस्त भी मिल जाते हैं। वहाँ वेदा ढेर सारे आम खाती है और दोस्तों को भी खिलाती है। सारे मिलके खूब मजे लूटते हैं और खेलते भी हैं। मगर बगीचे का माली आके वेदा और दोस्तों को वहाँ से भगा देता है। एक दिन वेदा को खेलते खेलते चोट लग जाती है। वेदा की दोस्तों ने वेदा को उठाकर घर पहुँचाया और उसकी मम्मी को उसको चोट लगने की बात भी बताई। सही समय पर वेदा को दवाई और मालिश करने की वजह से जल्द आराम मिला। माँ यह सारे मेरे दोस्त हैं, हम सब बहुत आम खाए और बगीचे में खूब खेले मगर माली ने हमें भगा दिया। माँ यह सुनके वेदा की माँ को बहुत बुरा लगा। वेदा की माँ ने उन सारे दोस्तों को धन्यवाद किया और उन्हें ढेर सारे आम भी खिलाए और माली को बुलावा गया। माली वेदा के घर पहुँचता है और हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। अरे माली काका, ये सब हमारे बच्चे हैं, आपने इन्हें डांटा क्यों और बगीचे से भगाया क्यों? मैम साहब, ये बच्चे व्यर्थ आम तोड़ रहे थे। बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या बड़े करेंगे? गलती हो गई मैम साहब। और वेदा जब गिर गई तो आप कहाँ थे?
मैं बंदर भगाने गया था मेम साहब। बड़े बंदरों के साथ अगर छोटे बंदर के भी ख्याल करते तो वेदा नहीं गिरती थी। इस बात को सुन के सारे बच्चे हंस पड़ते हैं। वेदा जब ठीक होती है तो माँ की बात से उसको ये समझ आता है कि दोस्त दुख सुख के साथी होते हैं। इसकी समझ आते ही वेदा अपने दोस्तों के साथ फिर आम के बगीचे में घुस जाती है और माली काका बस बच्चों को देखते रह जाते हैं।